अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी आया हूँ अपने कज़न के घर, उसके इस होंडा प्राइडर को रेस्क्यू करने। पीछे मेरा बाइक खड़ा हुआ है, वो अपना बाइक मुझे गंदा लग रहा था, बट अगर इससे देखो तो वो बहुत साफ़ है। अच्छा, इस बाइक की स्टोरी ये है कि ये जब से कज़न ने गाड़ी ली है, ये बेचारी जो है ना रुल गई है, गरीब तबाह है। बारिशें, मटियाँ, धूपें, तूफान सब इसने सहे। हालत आप देख सकते हो इस बाइक की, चली हुई है ये 44,000 किलोमीटर। सीट के हालात ये हैं, पेंट शेंट गया, ऑक्सीडाइजेशन वगैरह शॉक्स पे हो चुकी हुई है, और ओवरऑल ऐसा है। पिछला टायर अपेरेंटली अपनी जो ज़िंदगी है वो पूरी कर चुका है, और ये सारा सीन है इस राइडर का। बाकी इसका मॉडल जो है वो 2016 है, इंजन के ऊपर ऐसे ऑयल शॉयल आए हुए हैं और नीचे से ये ऐसा है। अभी मैं सबसे पहले कन्फर्म करूँगा कि इसके इंजन के अंदर ऑयल है, अगर तो ऑयल है फिर मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, स्टार्ट हो गया तो बहुत अच्छा, ताकि मैं इसे कलनूर ऑटोज़ पे ले जाऊँ और वहाँ पे जाके इसे काम करवाऊँ। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। राइडर का इंजन ऑयल की डिपस्टिक यहाँ पे है और बिल्कुल जाम हुई हुई है, पूरे बाइक में ये जाने लगे हैं। अब इसको पहले स्टार्ट करें या बुलवाऊँ, आई डोंट नो, समझ नहीं आ रही। इसका टायर जो है वो भी ऐसे ही है, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका यूं क्लच पकड़ के और उसको किक मार के देखता हूँ कि, बल्कि ऐसे करने का फ़ायदा ये है कि इंजन थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। अच्छा, क्या किक आराम से जा रही है नीचे? हाँ जी, जा रही है। तो भाइयों, बड़ी मेहनतों के बाद फाइनली राइडर स्टार्ट हो गया है। बाइक को मैं रेव करता हूँ तो बाइक से मट्टी निकलती है, ये हालात हैं इसके। अभी थोड़ी देर में इसको वार्म अप होने देता हूँ, पूरा बाइक काम पर है और बाइक से एक पर्टिकुलर सी स्मेल भी आ रही है। जना अच्छा, जब इंजन खड़ा रहता है तो उसमें स्मेल सी एक आने लग जाती है। इंजन ऑयल चेंज होगा, बाइक का पूरा ट्यून अप होगा, बाइक धुलेगा, बाइक की सीट कवर चेंज होगा, बाइक का पिछला टायर चेंज होगा और बाइक के इंडिकेटर लगेंगे। ये और इंडिकेटर तो हैं, रेयर व्यू मिरर्स लगेंगे, ये सारे काम होंगे। तो मिलते हैं फिर साथ साथ। ये है प्राइडर की रेस्टोरेशन। अभी हमने बाइक खोल दिया है और सबसे पहले बाइक जाएगा धुलने, धुलने के बाद होंगे बाकी काम। सीट के नीचे रह रह के ऐसे हो गया टैंक इसका। अब हम कुछ दोनों कुछ नहीं बोल सकते, वरना हम बहुत कुछ बोल सकते। बाइक साहब आ गए सर्विस स्टेशन सर्विस होने के लिए, धुलेंगे तो इंसानी शक्ल में लाजमी आ जाएंगे। ये इनके टापे हैं, जो सीन हो गए। हम पाकिस्तानियों के वक्रे ही मसले हैं, बाइक धुलवाने लाए हैं, बिजली नहीं है और खान भाई कह रहा है कि जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप देखते हैं आगे क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है, आप हॉट स्टोर पाकिस्तान देख रहे हैं। वेलकम टू द अपडेट वीडियो ऑफ प्रोजेक्ट प्राइडर। मेरे से बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि प्राइडर का क्या सीन है, प्राइडर गिर गया है, प्राइडर फोत हो गया है, प्राइडर कहाँ पे है, प्राइडर की रेस्टोरेशन किधर है। तो भाई अभी अपने पहले फेज़ के अंदर है। पहला फेज़ क्या था रेस्टोरेशन का, सीट फटी हुई थी, भाई ने सीट बिल्कुल नई बनवा के लगाई इसके ऊपर। उसके बाद भाई ने इसका इंजन ऑयल चेंज किया, ट्यूनिंग की बाइक की, पिछला टायर चेंज किया, पिछला रिम भी सीधा हुआ, अगला रिम भी सीधा हुआ, ब्रेक शू चेंज हुए, मोटरसाइकिल को फंक्शनल कंडीशन के अंदर लाया गया। अभी मैं इस बाइक को सिर्फ चला रहा हूँ डेली, ताकि मुझे पता चले कि इंजन वाइज क्या कंडीशन है, कौन कौन सी सील्स लीक हैं, कहाँ कहाँ से ऑयल बह रहा है, ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो कि मैंने इंजन का क्या काम करवाना है। सो फॉर जब मैंने बाइक एक्वायर किया था तो उस टाइम पे इसके क्लच के अंदर एक इशू था, 2 साल जो बाइक ये खड़ा रहा उस वजह से इसकी क्लच प्लेट्स जुड़ गई थी, तो बाइक स्टार्ट करने में मुश्किल होती थी, कि अजीब सी लाउजी सी हुई हुई थी और बाइक उस तरीके से चल नहीं रहा था। अभी जैसे जैसे मैं इसको चला रहा हूँ इसकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर हो रही है, मुझे नहीं लगता कि मुझे क्लच प्लेट चेंज करनी पड़ेगी, बट अगर ऐसा हुआ तो हो भी सकता है। अब मेरा प्लान सिर्फ यही है कि इसको मरी लेके जाऊँ नेक्स्ट वीक, चढ़ाइयाँ चढ़ गया शायद वापसी भी ओके हो जाए या शायद फोत हो जाए, आई डोंट नो क्या होगा। कहीं कहीं से ऑयल लीक हो रहा है इसके इंजन पर अभी मुझे पता चल रहा है। सस्पेंशन ओके है बाइक की, ओवरऑल मोटरसाइकिल में कोई मसला नहीं है। अब फ्यूचर क्या है इन भाई साहब का, क्या मैंने ये रखना है, क्या मुझे इसी को रिस्टोर करना है, मतलब ये मैं
जैसे ये क्रैक आया हुआ, इसको चेंज करूँगा, इसको चेंज करूँगा, या मैं कुछ और बनाऊँगा। जो मेरा दिल कह रहा है वो कह रहा है इसको स्क्रैम्बलर बनाओ, और मेरी जेब कह रही है कि बकवास ना करो। तो अभी इन दोनों के बीच में जंग चल रही है। अल्लाह करे कि दिल जीते, क्योंकि यूजली जब आप जॉब कर रहे होते हैं और आपकी फैमिली होती है तो आपकी जेब जीत जाती है। मैंने कुछ पार्ट्स इसके ऑर्डर किए हैं जिसके अंदर एक स्क्रैम्बलर हैंडल बार है, उसके अलावा और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको स्क्रैम्बलर बनाऊँ क्योंकि काफ़ी अच्छा लगेगा उस लुक के अंदर। अभी मैं कहाँ हूँ, अभी एक्चुअली आई एम इन द मिडल ऑफ नोवेयर। मैं एक छोटी सी राइड समझ लें आप आधे पौने घंटे की, उस पर निकला हूँ अडियाला रोड पे, कोई गांव है ढला शला उसके आसपास हूँ मैं। तो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी एक छोटी सी अपडेट प्रोजेक्ट प्राइडर के ऊपर। इट इज़ अलाइव एंड इट इज़ किकिंग। मज़ा आ रहा है इस बाइक को चलाने का। 70 से थोड़ी ज़्यादा पावर है और कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है, बट इसको मैं डेली चला रहा हूँ और मैं अपने YBZ को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जितना भी कंफर्टेबल हो जाए उस पर्टिकुलर तरीके कंफर्ट का लेवल नहीं है इसके अंदर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जब आप देखोगे इसको तो इस पर काम हो रहा होगा। एक और अपडेट कि कल भाई ने ग्लव्स लॉन्च किए हैं। उन ग्लव्स का सीन ये है कि जनाब उनके अंदर पाम पे तो पैडिंग है बट आपके नकल्स के लिए कोई पैडिंग नहीं है। वो ग्लव्स साइकिलिंग अगर आप करना चाहो या गर्मियों में आप ग्लव्स पहनना चाहें तो उसके लिए आइडियल है। हॉर्स पावर पाकिस्तान के स्टोर पे आप जा सकते हो, वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई हैं। ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा होगा। 650 रुपये के ग्लव्स हैं, 100 रुपये की शिपमेंट है, 750 रुपये में, और तुम लोगों को क्या चाहिए। आई होप कि आप लोगों को प्रोडक्ट ज़रूर पसंद आएगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम आई एम साइनिंग आउट एंड आई विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम फी अमानिल्लाह। बाय।